सो हेलो माय ड्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक और नए फ्रेश कमाल की वीडियो को लेकर आ गया हूँ आपके पास। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले कि कैसे जब अपने ओप्पो के फ़ोन में, स्पेशली ओप्पो के फ़ोन में, जो कि नेटवर्क स्पीड की सेटिंग को कैसे सेट कर सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। देख सकते हो, जैसे कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखता होगा कुछ Mbps और कितने स्पीड में मेरा जो नेटवर्क चल रही है वो आप कैसे पता करें, देख सकते हो। ठीक है, ये जो ऊपर में स्क्रीन के ऊपर जो ये बता रहा है कि कितना Mbps नेट चल रही है, नेटवर्क स्पीड चल रही है और कितना Kbps दे रही है, ये सब कैसे आप जो है कि अपने स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकते हो। जब भी आप फ़ोन लेते हो नया नया, जब भी आप फ़ोन लेते हो तो ऐसा कुछ सेटिंग दिया हुआ नहीं रहता। तो आज इस वीडियो में टोटली गाइड देने वाला, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए अब इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग में चले जाना होगा। ठीक है, फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली से चले जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में चले जाना है। देख सकते हो यहाँ नोटिफिकेशन स्टेटस बार आपको दिखता होगा, वहाँ चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ देख सकते हो बैटरी परसेंटेज के नीचे लिखा हुआ है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। आपको सिंपली से अगर ये ऑफ रहेगा तो सिंपली से आपको ऑन कर देना। जैसे ही आप ऑन कर देते हो आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे ही आप ऑन करते हो स्क्रीन के सामने आपको दिखेगा 0. अभी जो मेरा Mbps कितना में चल रहा है, Kbps में चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर, देखिए ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो यहाँ से हट जाएगा, ये शो नहीं करेगा। जैसे ही आप इसे अनेबल कर देते हो, जैसे ही आप इसे ऑन कर देते हो तो यहाँ ऑटोमेटिक से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑन करने के बाद भी आपको ऑफ नहीं करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद आपको फ़ोन को रिबूट करना है। एक रिबूट करके ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हो। आपको सिंपली से यहाँ पर, चलिए मैं जूम करके एक बार और आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ रिबूट करके एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली से रिबूट कर देना है। जैसे ही आप रिबूट कर देते हो आपका जो फ़ोन है रिबूट में होने लगेगा। देख सकते हो ये ऑफ होके ऑन हो जाएगा। आपको ऑन होने तक का वेट करना है, ऑन होने तक का। देख सकते हो ये मेरा फ़ोन टोटल तरीके से रिबूट हो चुका है। अब मैं फ़ोन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहला प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला प्रोसेस आपको डाटा को ऑन कर देना होगा। जैसे आप अपने डाटा को ऑन कर देते हो फिर से आपको सेटिंग में चले जाना है, फिर से नोटिफिकेशन स्टेटस बार में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर बैटरी परसेंटेज नीचे में जाके देखना है कि अनेबल है कि नहीं। अगर ये ऑफ रहेगा तो समझिएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर ऑन रहेगा समझिएगा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और ऐसे करके आप जितने भी एप्लीकेशन ऑन मतलब कि स्टार्ट किए उसको हटा देना है। और आपको क्या करना है, सिंपली से आपको एक बार फ़ोन ऑफ करना है, स्क्रीन ऑफ करना, ऑन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जूम करके देखना है कि आपका रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो कर रहा है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।